तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स ने पूछा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपने सुझाव देना भी ना भूलें। आप लोगों ने चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें सुनी होंगी और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून क्या चीज़ है, किस तरीके से ये काम करती हैं, क्या चीज़ होती हैं ये और किस तरीके से चंद्र ग्रहण लगता है। पर इन सभी चीज़ों से पहले, इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो प्रचलित है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक ये जो सारी घटनाएं होती है ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हिंदू धर्म में तो चंद्र ग्रहण को लेकर एक महत्वपूर्ण क्रिया भी मानी जाती है जिसे हम चंद्र ग्रहण यानी कि जो पूर्णिमा के दिन होता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। हिंदू धर्म की प्रचलित कथानुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए विवाद हुआ तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी ने एकादशी के दिन भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप धारण करवाया और अमृत का वितरण करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया। लेकिन जो असुरों का देवता था वो छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गया और अमृत पान करने लगा। अब देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृत पान नहीं किया हुआ था जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस लेते हैं और इसीलिए यह चंद्र ग्रहण होता है। अब यह तो बात हुई हिंदू धार्मिक यानी कि जो धारणाएं होती हैं हिंदुओं की, उस अगर तरीके से देखें तो चंद्र ग्रहण कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अगर खगोल शास्त्रों की नज़रिए से देखें तो खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस प्रकार आ जाए जिससे चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाए और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक ना पहुँचे, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। और अगर हम बात करें सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की, तो सुपर मून उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है और पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति को सूर्य मून कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा बहुत बड़ा और चमकीला दिखता है। अगर हम ब्लू मून की बात करें तो इस स्थिति में पूर्ण चंद्रमा दिखता है, लेकिन चंद्रमा के निचले हिस्से से नीला प्रकाश निकलता दिखेगा और इसे ब्लू मून कहा जाता है। और माना यह भी जाता है कि अगला ब्लू मून 2028 और 2037 में दिखेगा। अगर अब ब्लड मून की बात करें तो इस स्थिति में पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा को ढक ले और लेकिन सूर्य की किरणें चंद्रमा तक ना पहुँचे, तो यह जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा पर गिरने लगेगी और यह लाल दिखने लगेगा और इसे ही हम ब्लड मून कहते हैं। अब यह आपका नज़रिया है कि आप इसे हिंदू धार्मिक के नज़रिए से देखते हैं या खगोल शास्त्र के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हम हिंदू धार्मिक धारणाओं को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये धारणाएं बहुत सालों से चली हुई आ रही हैं। और अगर खगोल शास्त्र की बात करें तो विज्ञान इन चीज़ों को मानने से नकारता है। तो ये सब आपका नज़रिया है कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं, लेकिन विज्ञान सिर्फ इसे एक दृष्टिकोण मानता है और अपना सुझाव देता है और कहता है कि ये सिर्फ खगोलीय घटना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि सारे वीडियोज़ और लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें।